अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेन उर्दू क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। सबक नंबर 3 परेशान की शहजादी की हमने हाफ रीडिंग कर ली थी, आज उससे आगे स्टार्ट करेंगे। सफा नंबर बुक का 33 निकालें। सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था, थर्ड से शुरू करना है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं बोली हुजूर को दुआ देती हूँ और हुजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने की कसर ही क्या रही थी। कसर ही क्या रही थी यानी कमी ही क्या रह गई थी। सदके मौला के नाम पर बादशाह और सारे दरबारी सरोकार खड़े हो गए, यानी सरोकार लंबे काल या दराज काल, यानी बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। और बच्चा फरमाने लगे, सैदानी भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि कुछ लोग जो कुछ भी हो ये लोग हैं मुसलमान, अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम हम तो गुनाहगार ना करो, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली बैठ जाओ। हाँ तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा सरकार डरने की बात क्यों ना थी। एक अकेली दूसरी सुनसान यानी बिल्कुल सन्नाटा या खामोशी या खामोश जंगल, फिर जो मेरे साथ था उसकी सूरत ऐसी डरावनी थी, डरावनी यानी जिससे डर लगता है देखकर, और मेरे औसान जाते रहे औसान होश। ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली अम्मा बेगम बकर गदा मुहा बड़ा शरीर है, यानी शरीर शरारती, उसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर होल उठने लगे, होल को कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हो, और बोला बुला बुला कर चारों तरफ देखने लगी, यानी बुखला कर। बच्चा बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सैदानी बी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शुबा हो गया है, शुबा शक। वो मुस्कुरा कर बोली सैदानी भी डरो नहीं, हमारी सबकी शक्लें असली हैं, बल्कि परीजादों यानी नौकरियों की औलाद होती है। सारी ऐसी खूबसूरत शक्लें हैं जैसे तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया, इस पर नज़र करें। बच्चा की बेटी का नाम क्या था? सुहेल परी। वो जिन है और जिन अलबत्ता वजा वजा की शक्लों के होते हैं। वजा वजा यानी हर तरह के, खाते जमा रखो यानी इत्मीनान रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन जादू बुरी सूरत बना कर नहीं आएगा। इतने में खानों के ख्वान उतरने लगे। ख्वान क्या होते हैं? तब खासा चुना गया, खासा होता है खास लोगों का खाना, चुना गया यानी लगाया गया। खाना क्या था? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा, करिश्मा होता है जादू। एक एक बालिश के पौधे फलों, बालिश छोटे काद के पौधे फलों फूलों से लदे हुए थे, खुशबू की लिपटें आ रही थी, यानी हर तरफ खुशबू बिखरी हुई थी। मगर मैं खाती क्या, ना किसी किस्म की रोटी थी, ना सालन, ना पुलाव था, ना जर्दा, हक्का बक्का यानी हैरान होकर एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुरा कर बोली सैदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं, ये परिस्तान का खाना है, तो मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएं। मैंने कहा सरकार कोई खाने की चीज हो तो खाऊं, ये तो निगोड़े निगोड़े निकम्मे दरख्त है, इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह हमारे साथ मुझ के नहीं दिखाई देते। शहजादी अलड़ने, अलड़ कहते हैं शोक, इसका मतलब शोक होता है, लेकिन यहाँ ये शहजादी का नाम है। मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया और कहने लगी सैदानी भी जैसा सुना था कि आदमजात बड़ा भोला होता है, आदमजात आदम का बेटा यानी मुराद इससे इंसान है, भोला यानी सीधा साधा, तुम्हें वैसा ही पाया, तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मजा आएगा। इसको लाइन पर अंडरलाइन कर लें। बेगम यकीन मानो एक
जर्द जर्द जो फल यानी जर्द रंग का तोड़कर मुंह मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बूट पुलाव खाया ना होगा। मीर साहब की बीवी बूट पुलाव जो घर में छोड़कर गई थी वही पहले याद आया। बड़ी लड़की किले में तो आप बहुत जाया करती हैं, क्या वहां भी कुछ ऐसे मजे का पुलाव नहीं खाया? सैदानी हुसैनी बादशाह के खास रकाबदार यानी आला किस्म का बावर्ची के हाथ के बड़े बड़े तारीफी खाने 200 मर्तबा यानी कई मर्तबा खाए होंगे, मगर बीवी वो बूदबास यानी खुशबू वो आबो नमक ही कुछ और था। हाँ तो बहन बस फिर क्या था, जो जो खाने खाए थे बल्कि जिनका नाम ही सुना था उनका ख्याल करती गई और अल्लाह तेरी शान वही मजा आता गया। अचंभे की बात थी यानी हैरानी की बात थी कि जब एक फल तोड़ती दूसरा उसकी जगह फौरन निकल आता। फूलों कलियों को जो चखा मिठाइयां थी ऐसी ऐसी रफीस यानी उमदा हल्की खुश जायका के हर नवाले में रूह ताजा होती चली गई। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से ला गया। याकूत का गिलास और ऐसा हबाब, हबाब होता है बुलबुला, हबाब का के बाहर से पानी जिम जिम करता दिखाई देता था। डर के मारे मैंने जोर से होंठ भी नहीं भेंजे, भेंजे का मतलब है जोड़ना कि कहीं किनारा टूट कर मुंह में ना चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह पानी को ना पूछो, ऐसा मीठा ऐसा मुअत्तर, मुअत्तर खुशबू में बसा हुआ पानी तो नहीं होता, ना जाने क्या चीज थी। सब के बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए, साथ ही पान का भी ख्याल आया। मैं पान आज भी बहुत कम खाती हूँ लेकिन खाना खाकर दो वक्त तो जरूर खाने की आदत है। अब जो पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि इत्तरदान यानी खुशबू जिसमें रखी जाती है या खुशबू से भरा हुआ बर्तन, इत्तरदान में रखी हुई गिलती कले में आ गई। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले की कुकला बाई जैसा पान खाती थी। लाल किले में तो इससे पहले ना उसके बाद किसी को नसीब हुआ, मगर मैं कहती हूँ कि अगर वो परिस्तान के इस पत्ते को एक दफा से सूंघ लेती तो सारी उम्र सर झुमती रहती यानी सर हिलाती रहती। मुझको अंबर पड़े हुए कथे और सुच्चे मोतियों के चूने का पान भी इसके आगे बेहकीकत है यानी उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब सांस लेती थी नए से नई खुशबू की लिपटे आती थी। अब बहन बच्चा बेगम ने जिसका नाम जमुर्द परी था, अंडरलाइन करें इसको, बच्चा बेगम का असल नाम क्या था? जमुर्द परी। तोशा खाने यानी नेमत खाना जहाँ खाने की चीजें रखी जाती हैं। वालियों को हुक्म दिया कि शहजादी के कपड़े लाओ। कश्तियों पर कश्तियां थान पे थान आने लगे। कपड़ों और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अक्ल जाती रही। बड़ी बड़ी रानियों और शहजादियों के जोड़े देखे हैं। नूर बाई की पिशवाज यानी सोने की तारों से लिपटा हुआ लिबास देखी है जिसमें शेरों जोहरात लटके हुए थे, लेकिन इन कपड़ों से क्या नस्बत। कुजा दुनिया यानी कहां दुनिया के कपड़े और कुजा परिस्तान के कहां परिस्तान के। आंख नहीं ठहरती थी रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आबेरमा बहता हुआ पानी, मोतियों से लेसी हुई गुलशन ऐसा ही कम ख्वाब और जलबाप के दीद ना शदीद यानी जिसको ना देखा हो और ना सुना हो। गोटा वो के दुनिया देखे और अशश करे, अशश करना वाह वाह करना। रंग रंग के जौहरात की लड़ियां थी यानी जौहरात क्या होते हैं
कीमती पत्थर या मोती। यहाँ तक हमारी आज की रीडिंग मुकम्मल हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो रीडिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।